लंबे समय बाद नगर निगम ने एक बार फिर से शहर में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी एक कार्यक्रम में इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। इंदौर में बड़ी संख्या में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के यह कहने के बाद आज फिर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन पर सभी जोन के ARO निगम कर्मियों के साथ विभिन्न चौराहों पर बिना मास्क लगाए लोगों को रोका और स्पॉट फाइन किया गया। इस दौरान लोग निगम कर्मियों से हुज्जत करते हुए भी नजर आए। तुमने देखा बिना काम से तो हम आपको पकड़ते नहीं है। दो चालान बनवाने की अभी इस चौराहे पर कितनी कार्रवाई की गई है, कितने लोगों के चालान बनाए गए? आज चालान की कार्रवाई करी माननीय आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार। चौराहे पर जिन्होंने बिना मास्क के डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कितने लोगों के चालान बनाए गए? अभी शुरू से गिरा था लेकिन पानी आने का डिस्टेंस हो गया था, एक घंटे डेढ़ घंटे पानी गिरा है, फिर भी अभी हमारे कम से कम 23 से 24 चालान बन गए। क्या बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिल रहे हैं? जो कई लोग ऐसे जो मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नीचे कर रखा है, लगा के नहीं घूम रहे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई का लोग विरोध भी कर रहे हैं? कुछ लोग हैं सर जो विरोध करते हैं, जो चाहते हैं अनावश्यक रूप से काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो उनको पैसे नहीं देना है, शुल्क नहीं जमा करना है, वो विरोध करते हैं कि पैसे नहीं हमारे पास में, ये नहीं व्यवस्था नहीं है। सर माननीय महोदय आयुक्त महोदय का सख्त निर्देश है कि कार्रवाई की जानी है जो मास्क पे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।